सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस। दाना पार दियो तू दाना। मेरी बंदी के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा। अब तू नाम लड़का है गीत बला प्यार माँ। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द इस्लामी परफॉर्मेंस इन द इवनिंग। इनकी क्या तारीफ करें हम, अल्फाज कम पड़ जाए। बट ऑल राइट, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर खान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, पहले आज आपको एक न्यूज़ दे दूं। मैं सबसे पहले तो मैंने कुछ चीज़ छुपाई थी। एक्चुअली मैंने एक ऑडिशन दिया था, जोश ऐप आपको पता ही होगा, वीडियो ऐप है। तो मैंने उस जोश ऐप का एक ऑडिशन दिया था। एक्चुअली उसमें मैं गलती से सेलेक्ट हो गया, तो मैं सेमीफाइनलिस्ट हो गया। तो मैं सेमीफाइनल्स में आया हूँ। ये जोश वालों ने ही यहाँ पे अपने हरियाली रिजोर्ट में ही रखा है, इसका सेमीफाइनल है। तो आज यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले हैं, चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो अब अंदर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें अंदर का माहौल बताता हूँ कि यहाँ पर कैसा है। तो गाइस अंदर चलते हैं एंड देखते हैं। The thunder, I was on my way to going under, swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. तो गाइस पता है, डेकोरेशन देख के और सब सेटअप देख के तो ऐसा लग रहा है जो भी होने वाला है एकदम पहाड़ू होने वाला है। क्या सच में लग रहा है कि बहुत ऑसम होगा जो भी होगा। देखो मेरे पीछे ये पूरा स्टेज लगा हुआ है, उसमें पूरे में पीछे LEDs है और यहाँ भी एक स्टेज है। तो अभी होगा सेमीफाइनल राउंड, फिर होगा ग्रैंड फिनाले। तो गाइस पता है, शुरू में मैं ना थोड़ा सा घबरा रहा था कि पता नहीं मैं नाम लिखाऊँ या नहीं लिखाऊँ, क्योंकि पहली बार ऐसा स्टेज में हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत करके लिखा दिया और ये मिला है मेरे को जोश की तरफ से एक हैंडबैग। इसमें पता नहीं कुछ है, एक मास्क है और बैच है, तो वो इसको लगाएंगे। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस है 2 मिनट की। अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो टॉप 20 में सिलेक्ट हो गए तो हमारा फाइनल होगा शाम को। तो गाइस तुम्हें थोड़ा और घुमाता हूँ मैं इस जगह पर। तो गाइस पता है मेरा ना एक्चुअली गाना बज रहा है यार यहाँ पे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मेरा, इधर तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है। थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा होगा नहीं होगा। माँ मुझे काम मिल गया। माँ पता है सेठ जी भी बहुत अच्छे हैं, बोल रहे हैं अगर तू मन लगा काम करेगा तो मैं तेरी पगार ही बढ़ा दूंगा। माँ माँ अब तुझे हर दिवाली पुरानी साड़ी पहनकर नहीं बितानी पड़ेगी। माँ मैं तेरे लिए नई साड़ी लाऊंगा। माँ बहुत भूख लगी है। माँ मैं हाथ धोकर आता हूँ। माँ 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 तुझे क्या हो गया? माँ 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 आँख खोल। माँ 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 ऑटो 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 बोलो भैया प्लीज, मेरी माँ को कुछ हो गया है, हॉस्पिटल लेके जाना है। रुकिए ना, जल्दी चलाइए ना। माँ माँ तो आगे खोल ना। माँ जल्दी चलाइए। माँ डॉक्टर 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 साहब देखिए ना, मेरी माँ को कुछ हो गया है, वो आंखें नहीं खोल रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों रहे हैं डॉक्टर? 50,000 मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? नहीं, मैं मेरी माँ का इलाज कराऊंगा। मैं पैसे लाऊंगा डॉक्टर, मैं पैसे लाऊंगा। अंकल 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 मेरी माँ का इलाज करना है। अंकल अंकल प्लीज अंकल मेरी हेल्प करिए। अंकल 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 आप तो हेल्प करिए मेरी। अंकल सेठ जी दरवाजे खोलिए। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी मेरी माँ का इलाज करना है। सेठ जी उसकी हालत बहुत खराब है। सेठ जी डॉक्टर ने 50,000 मांगे हैं। सेठ जी मैं चुका दूंगा। सेठ जी मैं जिंदगी भर आपके यहाँ काम करूंगा। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी मेरी माँ को बचा लीजिए। सेठ जी सेठ जी सेठ जी मेरी माँ को बचा लीजिए। सेठ जी दरवाजे खोलिए। सेठ जी मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? मेरी
डॉक्टर डॉक्टर मेरी माँ कहाँ है, डॉक्टर मेरी माँ कहाँ है, डॉक्टर आप कुछ बोल के नहीं, डॉक्टर डॉक्टर माँ 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 मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरी जिंदगी नहीं बचा पाया माँ, तुम्हें बचपन में बीमार पड़ता था, तू कैसे मेरा ख्याल रखती थी माँ, माँ अब मैं बीमार पड़ूंगा कौन रहेगा मेरे साथ, माँ माँ आगे खोल ना माँ, माँ तू तो बोलती थी इस दुनिया में जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, ये वो दुनिया नहीं रही माँ, माँ ये वो दुनिया नहीं रही माँ, माँ ये वो दुनिया नहीं रही। गाइस मेरा एक्ट हो गया पता है, एक्चुअली मैंने सच बताऊं लिटरली बता रहा हूं, मैंने एक दिन भी ना कोई प्रैक्टिस की थी ना कुछ, बस सब जो भी सीनरी होता सब माइंड में था और सिर्फ डायलॉग्स भी याद नहीं थे कुछ भी, सच बताऊं मैंने इतना एक्स्ट्रा बोल दिया वहां पे कि मुझे पता नहीं था कि मैं बोल क्या रहा हूं एक्चुअली, उस टाइम तो मैं सिर्फ जो एक्ट था जो फीलिंग में थी मैं बस फीलिंग चला रहा था, सच बताऊं ना जब उतरा ना तो जब मैंने देखा आसपास, पहले मैंने आंखें बंद कर ली थी शुरू में, फिर उसके बाद जब आंखें ऑन की, आंखें ऑन क्या की मैंने, आंखें खोली, अभी तक मैं थोड़ा सा मैं खुश हूँ बहुत, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगा, लेकिन अपना पता क्या दिल को सुकून है कि मैं एक्चुअली क्विट करके जाने वाला था बट मैंने वो किया तो मुझे करना था, और अब बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ इतनी खुशी हो रही है ना कि सबने मतलब जो ऐसे मैं उतरा ना स्टेज से सबने हाथ मिलाए आगे आके हाथ मिलाए, अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट के साथ ऐसा नहीं बिहेव नहीं किया जितना मेरे साथ किया, मैं आपको वीडियो भी अभी इसमें डाल दूंगा इसके नेक्स्ट ही, आप वो वीडियो देख लेना, आप खुद बता देना मुझे, मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा एक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने कोशिश की। सो गाइस चलो थोड़ा सा घूम लेता हूँ मैं, तो गाइस पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना तीन स्टेजेस है, एक तो ये, एक अंदर भी है, मैं भी अंदर भी जाके बताऊंगा, और एक ये लास्ट फाइनल वाला जो रात में होगा, जितने भी इसमें सिलेक्ट होने के बाद जो भी 20 फाइनलिस्ट बचेंगे वो रात को परफॉर्म करेंगे। तो मैं तुम्हें और भी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी लगे हुए हैं, जैसे अलग अलग यहाँ पे फूड स्टोर है, ओके, और यहाँ पे बहुत कुछ है, ये आई डोंट नो ये क्या है लेकिन ये सब शाम को चलेगा। यहाँ पे है जोश की, जोश बना रही है लोग लड़कियाँ, और ये थोड़ी सी हमारी राजस्थान की प्रदर्शनी, यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और इनको ज्यादा से ज्यादा आप पैसे दिलाने में मदद कीजिए। सो गाइस कॉम्प्लेन के बारे में तो सबने सुना है ना, लेकिन उससे ज्यादा मत पीना बच्चों, वरना पता है क्या ऐसा हाल हो जाएगा तुम्हारा, देख रहे हो, तो कॉम्प्लेन पियो लेकिन लिमिट में। चैपलिन भाई मैं आपको एक और स्टेज दिखाता हूँ, ये दो स्टेज तो बाहर है, एक स्टेज है जो इन्होंने क्या अंदर रखा है, वहाँ पे है सारे लोग और वहीं चल रही है ज्यादा परफॉर्मेंसेस, तो मैं आपको बताता हूँ अंदर चल के। सो गाइस चलते हैं एंड देखते हैं। इम्मू भाई, क्या नाम है, इम्मू भाई टोपी ले लो यार, ऐसे क्या कह रहे, टोपी ले लो इम्मू भाई। सो गाइस हमारे रिजल्ट तो डिक्लेयर होंगे 6 बजे, तो शाम को 6 बजे तक वेट करना है, फिर उसके बाद पता चला है कौन फिनाले में जाएगा। एक्चुअली मुझे पता है
मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर मैं फाइनल्स में ना जा पाऊँ। एक्चुअली मैं यहाँ आया था अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने, और वो बढ़ चुका है, जा रहे हैं कहाँ, ही इज गोइंग, ही इज विद अस, तो फेमस हो रहा है ना, yes. जोश के साथ, yes. तो ये जोश के साथ फेमस हो रहा है, किधर जा रहा है ये व्लॉग एनीवेज? एक्चुअली ये कोटा का व्लॉग है, मैं कोटा का व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉग सुनाता हूँ यहाँ। अरे ग्रेट यार, तो गाइस अ वन थिंग एज अ जोश टीम मेंबर आई विल टेल यू, जोश का मेन है लोगों को फेमस करना, ये ग्राउंड लोगों को, लाइक जिनको फेम नहीं है उनको फेम दिलाना, एंड लाइक वी आर हैप्पी टू हैव यू ब्रो। थैंक यू सर, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम शाम तक का वेट करते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। ओनली फॉर कोटा, कोटा शहर की नापी गलियां और सड़कें हैं, देखे मैंने हरामी और पापी तोड़े लड़के हैं, सोशल मीडिया दिन और अकाली न करो अपनी इसकी बंदी, उसके साथ समझो मेरी स्थिति बात भी की रफ्तार निकाली हमने ले लिए, हजार कमाते डेली है, लाइफ भी तो प्लास्टिक की थैली है, आइकॉन हर बंदा है पूछेगा, गली कूचेगा, होगा कोई लड़का है सोचेगा, जो भी है दलती सोचेगा, देख कौन बेटा दरवाजे पे गड़ा बखले मची बड़ी बड़ी बड़ा आग खोल, पहले पहले आके पैर मेरे झूला, हर बात पे गुरु में तर मुझे प्रणाम बोल, यूट्यूब पे सुने मैंने तेरे गाने गुस्सा लगा सही सब तेरे आम बोल, नाम से गुरु गुरु होते हो काम को छोटे काम को सलाम बोल। एक बात परिधि के लिए जस्ट परिधि मैन, यादों की कल की वो दास्तां, हाँ टूट गया फिर से एक कन्या की माँ का वो दिल, कैसे बया करूँ उसे शब्दों में करे के गिनो ना, फिर से वही बच गया बुझ दिल, खेलने आ कहते उसे मंद बुद्धि जबकि सबको पता वही है कातिल, बड़े तेरे को न लगे माँ की बुहाए, ना हो तुझे जिंदगी में मोक्ष हासिल, क्या मिला करके भी ऐसा जाके देख एक दफा उसकी माँ के आचर की तन्हाई, याद अपनी गहराई याद आती है तेरी, अब मैं तुझको कैसे बताऊं, तूने छीन लिया है सब कुछ मेरा, भाग्य कैसे जताऊं, दिल में भरी जो दास्तां है अब तुझको कैसे सुनाऊं, मेरा रूह हार चुका है खुद से अब मैं रूह को कैसे मनाऊं, तुझको चाहकर खुद को मैंने ना जाने क्यों खोया था, आँख खुली रही रात रात भर एक हफ्ते ना सोया था, याद करके तुझे ये बंदा फूट फूट कर रोया था, कांटा निकला वो फूल जिसे मैंने बीज समझ जो बोया था। भाई दया दासी के भाई, दया दासी भाई, तो नेक्स्ट सुना रहा है तुम? मैं नहीं ब्रो, मैं नहीं आया, इसके बाद फिर मैं आया। कंधी थी रातों को बातें जो तू, देख मेरे हाथों में हाथ, बोला था तूने मैं नहीं जाऊंगी, फिर छक गई क्यों मेरा तू साथ, अब रातों को लिखता और पन्ने में भरता हूँ करके सिर्फ तेरी ही बात, भूलना चाहूँ चाहे जितना भी लेकिन अब नहीं होती तेरी याद, देखा लास यही तो बात है, यही तो बात जिसका सच्चा है भाई अनाथ है, बोलने को सब तेरे साथ है, मुंह पे भाई पर सारे ये सांप है, जेब तेरी हरी फिर भाई अपने आस पे, सिस्टम साला ये ऐसा ही चलता है, यूं खिलाने को कोई नहीं आता है यहाँ पर, खाने को सब तेरे साथ है मेरे भाई, भाई रोएगी वो तो तेरे बारे में लिखता हूँ मैं लाखों में, यूं बिकता हूँ आबादों में, चोर मेरा बाजारों में बिकता हूँ, तेरे बाप से ज्यादा मेरे खर्चे बस नहीं है, नहीं खर्चे तो ये लेकिन वो मेरी बंदी के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा भाई, बोलो। होकर तुझको जिंदा हुआ हूँ दफन, गमों की है ओढ़ली मैंने ये कफन, दूर होकर तुझसे न माने मेरा मन, तू जिंदगी में तेरे खुश रहे जा मरिया तेरा पवन। अरे भाई एक बार अब बताओ तुम सब कहाँ से हो, बस ये बता दो कहाँ से हो। एक लास्ट कोटा, कोटा में कहाँ? फ्रॉम दादाबाड़ी, दादाबाड़ी। तो भाई जितने भी दादाबाड़ी के बंदे ना सब जाके भाई से मिलो, बाई डाई आशी के भाई। और एक शायरी, शायरी दिन गाली वाला, कोई बात नहीं चलने दो, चलेगा। कोटा शेर बड़ा गुलदस्ता, बाबा तो बोलो, कोटा शेर बड़ा गुलदस्ता, बाबा बाबा मारे गाड़ बताए रास्ता। तो कुछ बात बोलनी है उसके लिए जो मुझे आई थिंक बिना समझे छोड़ के चली गई थी, उसके लिए कुछ चार पांच लाइन्स हैं, तो सुना ध्यान से। बोलता था नहीं मैं तुझे, मानता था वाइफ, जब से तू है गई मैंने रख ली खुद पे नाई, दिल भी मेरा जीते बोले कर ले तू सुसाइड, कैसे मालू हार कर की हालत है जो टाइट, दिल में मेरे बसा वो जो चेहरा है वो तेरा है, कैसे जू मैं लाइफ आगे काले सायों का जो पेरा, आके ठेरा मुझसे कहता चल जा बेटा कोई नहीं है यहाँ पे, मुझे कोई बात समझ जा रहे कैसे करते हैं प्यार मुझको बता दे, अभी तो कोई मेरी मैं जाके जितना है दर्द बयां करके बता दे। सबका दिल टूटा, सबका दिल टूटा हुआ, माँ की कसम दारू के साथ टंगड़ी तोड़ते अपनी जगह तो अपन नहीं छोड़ते, अकेले किसी को लाड़ में नहीं अपना तेरे वास्ते नहीं, झोल का धंधा नाम का गौर पे काम का क्या है नाम ही बहुत है, पीछे करे सुनते अपन आज भी भोंक रहे दिख रही है क्या फायदा ना काम का। Yeah. 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 Yeah.
क्या कर रहे हैं आज? आप मुझे डरा रहे हो अक्षय अंकल? अक्षय की जान लेगा क्या? मैं कहाँ डरा रहा था? जोर जोर से बोल के स्कीमें बता दे लोगों को। ये दुनिया बहुत गंदी है माँ, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे बहुत मारती है माँ। ये मेरी लुगाई भी शायर है। एक मिनट डर के साथ, ये मेरी लुगाई भी, भाई आपकी लुगाई शायर है? ये लुगाई है कि नहीं है? नहीं आगे गिर नहीं है आगे, लुगाई भी शायर है। मेरी लुगाई भी शायर है। हाँ भाई आगे आगे। जब मैं दारू पी के घर लेट आता हूँ, ओके, जब मैं मेरी लुगाई लगाती है पोचा। अच्छा पोचा पोचा तो मुझसे बोलती है कि डार्लिंग, हाँ क्या है ये लोचा? के डार्लिंग मैंने तेरे को दबोचा। अच्छा मेरी डार्लिंग मुझसे बोलती है कि बेचारी के हाथ पैर दर्द होते हैं, हाँ तो बोलती है कि अरे बार रे तुझी मगी ये नहीं चिको क्रॉपियो सेम्पू। पता है इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब इतने ज्यादा मैंने टैलेंट देखे यहाँ पे, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, रैपर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कोटा में इतना ज्यादा टैलेंट है यार। और ऐसे शोज पता है होते रहने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि तभी पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कितने टैलेंट हैं। यहाँ पे मैं मिला हूँ बहुत सारे रैपर्स से, पता है क्या उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब मैं ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ, तो हो सकता है इस संडे फ्राइडे को 4 PM शायद, हाँ 4 PM को KST में हम एक शो करने वाले हैं जहाँ पे होगा ट्रैपिंग का कॉन्टेस्ट। संगीत वो भी तो है मेरे गाने का राग, जो मुझे करेगी कभी नहीं चीड। लेट्स हैव टू बट ब्रो इट इज डी एट फाइव फोर टॉप ब्रो इट्स योर थंब डोंट इट सब ब्रो लेट्स ड्रिंक गुड लव ब्रो। हां मैं करता नहीं बात, अब रातों में काटो में लेता हूं कंसर भी कम। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धूमधाना पार दियो धूमधाना। गाइस सही बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल ये मैं समझ गया, मैं गलत डिसीजन नहीं था कि यहाँ आना है मुझे। यहाँ पे मैंने जो टैलेंट देखे हैं भाई, पता है एक्टिंग में भी। अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ ना, एक मिनट रुको, मैं कहीं और जाता हूँ। सो गाइस पता है मतलब यहाँ पे इतने सारे टैलेंट्स हैं ना, मैं बताऊँ एक्टिंग में भी ना अपन तो कहीं स्टैंड नहीं करते भाई, अपन तो मतलब क्योंकि खुद की बड़ाई नहीं कही जाती मुझसे, मैं खुद की बड़ाई करूँगा भी नहीं। उन्होंने देखा है वो जानते हैं मैंने कैसा परफॉर्म किया है, मैं खुद की बड़ाई नहीं करूँगा। लेकिन सच बता रहा हूँ मुझे दूसरों के परफॉर्मेंस में इतना मज़ा आया, सच बताऊँ। फाड़ू भाई फाड़ू 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 फाड़ू, अगर हम फाइनल तक जा सके ना तो देखना। और हाँ मेरे दिमाग कुछ आइडियाज चल रहे हैं,
हम कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ही देखें। यू नो वॉट, पता है पापा को भी बहुत आने का मन था यहाँ पे, बहुत उन्होंने मेरे को बोला था कि मुझे भी देखना है कि तू वहाँ पे क्या करेगा, मैं आऊंगा, लेकिन एक्चुअली पता क्या, मैं कुछ काम में आ गया इसलिए वो नहीं आ पाया। बट पापा, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखना आप। सो गाइज, एवरीथिंग इज सेट, पता है क्या, वो जो मेन स्टेज था वो भी सज चुका है और कुछ ही देर में ये अनाउंस कर देंगे कि फाइनलिस्ट कौन है। अब देखते हैं, हमारा नाम आता है नहीं आता, आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्योंकि यहाँ पे आके जो मैंने सीखा वो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे लिए। भाई लोग, परफॉर्मेंस खत्म हो चुके हैं, ऑडिशन खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। ब्रो व्लॉग बना रहे हो? यस। ओके ब्रो, ब्लॉगर ब्लॉगर भाई भाई, तुम भी ब्लॉगर? यस यस यस, मैं भी ब्लॉगर। तुम्हारे चैनल का नाम बता दो। ब्रो मेरे चैनल का नाम है मिस्टर पीटू व्लॉगमैन। और आपके? मिस्टर खान 99Z व्लॉग्स। ओहो भाई, यहां पे हो रहा है ब्लॉगर मिले, ब्लॉगर आ रहे, चलो चलो चलो, दो ब्लॉगर यहां पे मिल चुके हैं। तो कैमरा भिड़ा दो, अब कैमरा भिड़ा दो, कैमरा भिड़ा दो, दोनों भाइयों का कैमरा भिड़ रहा है। तो फॉलोवर्स का कंपटीशन करें, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर है बताओ? मेरे तो यार नहीं है यार, फिर भी। सो गाइस, यहाँ मिले अपन एक व्लॉगर से, तो व्लॉगर व्लॉगर भाई भाई, तो भाई भी व्लॉग बना रहे थे और इनका भी चैनल है, तो आपके चैनल का नाम क्या है? मिस्टर खान 99Z व्लॉग्स। तो गाइस देख लो, इनको भी आप जाके सब्सक्राइब करना गाइस, और अपन को तो कर ही रखना, तो देख लो व्लॉगर व्लॉगर मिल गए गाइस। गाइस टाइम फॉर रिजल्ट्स, अंदर ऐसा धक-धक हो रहा है क्योंकि देखो सब सब वेट कर रहे हैं कि कौन आएगा, पता नहीं किसका नाम आएगा, मैं चाहता हूँ सब सिलेक्ट हो जाएगी, मुझे पता है सबने इतना बेस्ट किया है ना, बेस्ट से भी बेस्ट। तो अब देखते हैं किसका नाम आता है किसका नहीं आता है, क्योंकि मैं तो थोड़ा ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा, मैं बस यहाँ पर मेन गेस्ट का जो आने वाले हैं उनका वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कर लो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी, कर लो अपना पेशेंस भी, लेकिन आप सबसे ज्यादा जो टेस्ट हुआ है वो इनका पेशेंस टेस्ट हुआ है, अभी वो पेशेंस पूरा हो गया है, कुछ ही लम्हों में सेलेब्स यहाँ पर पधारेंगे। क्या बात है, उससे ज्यादा आवाज कोटा की जनता को। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा, जो 20 हैं वो स्टेज पर आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप सबके लिए शो के आखिर में जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया है उनके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, होने वाला है, इसलिए आप सब लोग जो फाइनल में सेलेक्ट ना हो वो भी हमारे साथ यहीं पे बने रहिएगा। जल्दी से परिणीति और उनके डैडी आ जाए यहाँ पर स्टेज। सो गाइस, सारे नाम अनाउंस हो चुके हैं, मेरा नहीं आया, कोई रिग्रेट नहीं है, मेरा नहीं आया, पता है मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। पहली चीज़ जो मैंने सीखी यहाँ पे कॉन्फिडेंस, सच बताऊँ यहाँ जब खड़ा होने आया था ना तब इतनी ज़्यादा फटी पड़ी थी अंदर से कि मैं क्या ही कर पाऊँगा, और मुझे पता था मैं अगर यहाँ कुछ नहीं कर पाया तो मैं बड़े प्लेटफॉर्म से भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब इतने गट्स आ चुके अंदर कि मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊँ तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस जीता है, कुछ जीता नहीं जीता हूँ, मैंने भले से फाइनल जीत के जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से एक चीज़ जीत के जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस। तो गाइस सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी एंड करने वाला हूँ। गाइस मतलब पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या केओस हो रहा है वहाँ पे,
बट आई डोंट नो, शायद वो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो गाइस मैं एक्टर हो गया है, तो मैं एक्टर एक्चुअली। अरे यार सबको पता है, सबने एक बेस्ट से बेस्ट किया है, तो लाजमी है ये होना, क्योंकि सबको लगता है हम बेस्ट हैं, और लगना भी चाहिए यार, क्यों नहीं, वो है बेस्ट। बट आई डोंट नो जजेस क्या चूज करते हैं, अब उन्होंने जो भी चूज किया होगा मुझे तो मंजूर है, सबको भी मंजूर। हमारे सेलेब्रिटी जजेस का आज की शाम वेलकमिंग द वंडरफुल पर्सनालिटीज। चलो बंदर चलता है। ए ब्लॉगर रास्ते में बताओ मेरे। का मुंह दिखाई की रस्म करने नहीं दे रहे हैं लोग, बात देखो घेर के खड़े हैं, हमने तो ले लिया क्लोजअप जितना लेना था। सो गाइस मैं क्लिप्स नहीं ले पाया गेस्ट के साथ, मन बहुत था, लेकिन एक्चुअली तुम्हें पता है बाउंसर्स की पूरी भीड़ और मुझे, और मेरा मन बिल्कुल नहीं है कि मैं भूसा खाऊं किसी बाउंसर का। तो 8 बज चुके हैं, कॉल आ चुका है पापा का कई बार कि आजा आजा वापस, तो रुको थोड़ी देर यार। आई होप आपने बहुत मजा किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत मजा किया है। तो गाइस अब चलते हैं घर, क्योंकि कॉल आ चुके हैं पापा के, तो अब घर चलते हैं। मैं फ्राइडे का व्लॉग आ चुका होगा, अब आप देख ही रहे हो तो इसका मतलब आ चुका है। तो गाइस मैं अब ना हमारे यूट्यूब पे बहुत कुछ नया भी होने वाला है, सो वेट एंड वॉच। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम बेबी। ओ माय गॉड What I just see? भाई मेरे को तो इसके लोगों से इतना समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी कौन सी है। I think वो जो स्पेशल गेस्ट आए हैं वो इसी कार में आए होंगे। My God, भाई सेक्सी है गाड़ी यार, भाई दिल आ गया इस पे। OMG. She's just stars. Didn't even get to cross.